गिफ्ट्स मिलने का तो मजा ही कुछ और है। मेरी दोस्त को मिली है एक कार। मेरे पास शब्द नहीं है। हे, ये जा का रही है, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। अगर हम कोका कोला बॉटल्स पर डियर जैसे कपड़े पहना दे तो आपको चाहिए होगा एक भूरे रंग का पाइप क्लीनर। इसे आधा मोड़े और डियर के सींग बनाएं। बोतल के नेक पर तार लपेटें। गुगली आईज चिपकाएं। नाक की जगह पर लाल पॉम पॉम्स लगाएं। ऐसे ही दूसरी बॉटल्स के साथ भी करें। हो, यहाँ पर तो पूरा झुंड है। अब ड्रिंक्स का खाली गत्ते का डिब्बा निकालें। इस पर स्पॉन्ज से हरा एक्रिलिक पेंट करें। इसे फर की पत्तियों से सजाएं। इसे लाल रिबन से बांधें और अपने डियर को अंदर लगाएं। आप कोक के बिना क्रिसमस कैसे मना सकते हैं? मैं सोचती हूँ कि क्रिसमस का ट्रक भी रास्ते में ही हो। और अब आपको चाहिए होंगी चॉकलेट बार्स और वुडन स्क्यूअर्स। हर चॉकलेट बार पर 2 स्क्यूअर्स लगाएं। बड़ी कैंडीज के लिए ज्यादा स्क्यूअर्स लगाएं। क्या ये बुके आपको पसंद आया? अब सोडा की बोतल लें, इस पर स्क्यूअर्स लगाएं और इस तरह से बनाएं। एक बड़ा सा बुके बनाएं। इसे कागज से लपेटे और वो लगाकर सजाएं। एक शिक गिफ्ट बहुत ही बढ़िया है जिसे चॉकलेट और मीठा पसंद हो। और यही बहुत ही काम आएगा जब आपके दोस्त को चाय के साथ कुछ मीठा खाने का मन होगा। जरा एक मिनट रुको, ये रहा मेरा स्वीट सरप्राइज। अब समय है अपनी मनपसंद चीजें खाकर मजे करने का। अब एक चमकीला रंग का भूरे रंग का फोम पेपर, हैंड लोशन और थोड़े स्प्रिंकल्स लें। चमकीली सतह अंदर रखते हुए शीट को मोड़ें। अंदर लोशन लगाएं, इसे लपेटें, हॉट ग्लू लगाकर बंद करें। किनारों पर कट्स बनाएं। किनारों को अंदर की तरफ मोड़ें। फालतू हिस्सा काट लें। पैकेज पर लकड़ी की स्टिक्स लगाएं। इस आइसक्रीम बार पर स्प्रिंकल्स लगाकर सजाएं। अब आप इसे अपने दोस्त को दे सकते हैं। आप सोचेंगे कि साधारण लोशन खास नहीं है, पर इसकी पैकेजिंग कितनी लाजवाब है। स्टिक पर लगी आइसक्रीम बार, ये तो बहुत क्रिएटिव है। इस आइडिया के लिए आपको चाहिए होगा एक कोन के आकार की गत्ते की ट्यूब और टी बैग्स। टी बैग्स के किनारों को मोड़े और थोड़ी हॉट ग्लू लगाएं इसे कोन के निचले हिस्से पर लगाएं। ऐसा ही दूसरे टी बैग्स के साथ भी करें और उन्हें एक एक करके लगाते जाएं। ऐसा ही ऊपर तक करें। अब सुनहरे रंग का फोम पेपर और कैंची लें। एक स्टार और एक ओवल काटें। ओवल को रोल करके कोन बनाएं। इस पर स्टार लगाएं। आपने अपने क्रिसमस ट्री के लिए एक बढ़िया टॉपर बनाया। फोम पेपर से एक गोला काटें। इसके किनारों को काटकर फ्रिंज बनाएं। इसे बेस से लगाएं और अपनी इस शानदार चीज से अपने दोस्त को लुभाएं। इसके लिए सबसे अच्छा टाइम है टी टाइम। वाह वाह, टी क्रिसमस ट्री, ये तो बहुत शानदार है। क्या तुम्हारे पास कैंडी से बनी कुछ क्रिसमस डेकोरेशंस हैं? यहाँ पर कितने सुंदर डेकोरेशंस हैं, मैं तो अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही। क्रिसमस ट्री को सजाने का एक अलग ही मजा है और एक बहुत ही बढ़िया मौका अपने दोस्त को सरप्राइज देने का। जैसे कि आप उसे दे सकते हैं एक बड़ा सा क्रिसमस ऑर्नामेंट, ये कमाल का दिख रहा है। और इसे खा भी सकते हैं। कुछ लॉलीपॉप्स लें और 2 रंगों का चमकीला कागज। हर लॉलीपॉप को लपेटें। सुनहरी टेप से इसे बंद करें। अब एक स्टायरोफोम से बनी बॉल लें, इसमें लॉलीपॉप्स के स्टिक्स डालें। रंग बदलते रहें। ऊपर थोड़ी जगह छोड़ दें
और फेयर ट्री ब्रांचेस लगाकर इसे सजाएं। एक लाल रंग की बो लगाएं। बस हो गया, खूबसूरत और टेस्टी। क्रिसमस टेबल की सबसे खास चीज वो है हमेशा से एक रोस्ट हुई टर्की। इसकी स्किन कितनी सुंदर है। अब समय है गिफ्ट एक्सचेंज करने का। ये क्या है? कैची। तोहफा अच्छा है। नहीं नहीं, तुम्हें इसे काटना है। चलो भी, शर्माओ मत। क्या नया फोन? मेरी कब से ख्वाहिश थी। वाह, अब मैं समझी तुमने ये कैची क्यों दी थी। इसे खोलो, स्टायरोफोम के पीस से टर्की का आकार काटें, इसमें एक फोन वाला डब्बा रखें, इसके आसपास फॉइल लगाकर इसे भरें, लाइट ग्ले की एक परत बनाएं, भूरे रंग के एक्रिलिक पेंट से ऊपर रंगें और ऊपर से थोड़ा उभार कर इसे रसीला बनाएं, क्लियर पॉलिश से ऐसा करें। टर्की बहुत ही यम्मी दिख रही है, मगर बुरी बात है कि इसे खा नहीं सकते। और अब आया साल का सबसे जादुई दिन, एक डीआईवाई एडवेंट कैलेंडर। इस फेस्टिव माहौल को और भी शानदार बनाने में मदद करेगा। ये शानदार दिख रहा है। बॉल को खोलें और इसमें गिफ्ट है, घड़ी मेरे लिए। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। और अभी तो और भी कई दिन बचे हैं, इसका मतलब है मेरे लिए और भी कई सरप्राइज है। एक बड़े लकड़ी के फ्रेम पर सुनहरा रंग करें, गोल ढक्कन वाले डिब्बों पर भी पेंट करें। सफेद, लाल और सुनहरे रंग का पेंट इस्तेमाल करें। डिब्बों को फ्रेम पर रखें। खाली जगह को ट्री ब्रांचेस से भरें। किनारों पर डेकोरेशंस लगाएं। अब तोहफों को सजाएं और मार्कर से डेट्स लिखें। हो गया। ये रहा अगला क्राफ्ट। आपको चाहिए होगा पार्टी पॉपर और थोड़े पैसे। पॉपर के ऊपर वाली फॉइल की परत पर एक कट बनाएं। नोटों को रोल करें, इन्हें पॉपर के अंदर रखें और सावधानी से फॉइल को पहले जैसा लगाएं। गिफ्ट में पार्टी पॉपर, बढ़िया है। कैसे ब्लास्ट करें? वाह, इसमें सिर्फ कन्फेटी ही नहीं भरी बल्कि कुछ और भी मजेदार है। मुझे आज तक किसी ने इतने अनोखे तरीके से पैसे नहीं दिए। मुझे क्रिसमस ईव पर क्या करना चाहिए? अपने दोस्तों के लिए सरप्राइज बनाना चाहिए। ओह, ये तो ग्रिंच है, पर ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है। मैं क्रिसमस चुरा लूंगा। बढ़िया है। आपको चाहिए होंगे दो हरे लूफा। इसके धागे निकालें और इन लूफा को किनारों से सिलें। धागे को खींचे, कागज की एक शीट मोड़ें, एक स्ट्रिप काटें, लाल फेल्ट पर एक तिकोना आकार बनाएं, इसे काट लें, कैप के बेस पर एक सफेद स्ट्रिप बनाएं, ऊपर की ओर एक पॉम पॉम लगाएं, फोम पेपर से आंखें बनाकर चिपकाएं, इसे लूफा से चिपकाएं, किनारे पर हेड चिपकाएं, एक ब्रेडेड रिबन से स्माइल लगाकर सजाएं। कितना हैंडसम है, तुम्हें नहीं लगता? और अब आपको चाहिए होगा एक ढक्कन वाला जार और थोड़ी सी ग्लिटर। स्टायरोफोम के पीस पर एक जार का आकार बनाएं, इसे काट लें, स्टायरोफोम पर सफेद एक्रिलिक पेंट करें, ढक्कन पर भी सफेद रंग करें, हॉट ग्लू से ढक्कन पर स्टायरोफोम चिपकाएं। चलो अब इसे सजाएं, एक क्रिसमस हाउस और अपने दोस्त के साथ एक फोटो। इसे स्टायरोफोम से चिपकाएं, जार में थोड़ा पानी डालें, ग्लिसरीन डालें, इसे मिलाएं, चमकीले और आर्टिफिशियल स्नो डालें, इसे फिर से मिलाएं,
ढक्कन को बंद करें। अब सजावट अंदर है। जॉइंट्स पर ग्लू लगाएं। स्नो से छिड़काव करें। जरा देखो तो कितना बढ़िया लग रहा है। अगर आप जार को थोड़ा हिलाएंगे तो चमकीली स्नोफ्लेक्स अंदर नाचने लगेंगे। आप डिब्बे में रखी ज्वेलरी को और भी मजेदार कैसे बनाएंगे, ये रहा एक आइडिया। इसे प्लास्टिक में लपेटें, एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में शेविंग फोम डालें, थोड़ा बेकिंग सोडा डालें, इसे मिलाएं, डिब्बे को आर्टिफिशियल स्नो में छिपाएं, एक नन्ना स्नोमैन बनाएं, इसे फोम पेपर से बनी नाक और एक नुकीली हेड बनाएं और एक टिम्बल हेड लगाएं और सजाएं। एक क्रिसमस ट्री और तोहफे, सफेद झाग और चमकीली बीट्स छिड़कें। एक छोटा सा शॉवल रखें। इस जादुई स्नो बैंक में से अपना तोहफा ढूंढना, क्या ये फेरी टेल जैसा नहीं है? इस आइडिया के लिए आपको चाहिए होगी इस साली खींची हुई फोटोज और LED लाइट्स। लाइट्स को लगाएं, फोटोज को क्लोथ पिन से लगाएं, अब इसे दीवार पर टांगें और अपने दोस्त को ये सरप्राइज दें। देखो तो इस साल में हमने कितने मजे किए। इस मीठी यादों को इकट्ठे बैठकर याद करना, इससे बेहतर और क्या होगा। और अब थोड़ा चमकीली कागज लें, एक रेक्टेंगल काटें, नोटों को रोल करें, इसे कागज के टुकड़े से ढकें, इसे कैंडी का आकार दें, किनारों पर सुंदर सी टेप लगाएं, ऐसे ही बाकी के नोटों के साथ भी करें। इतनी सारी कैंडीज, कुछ हीलियम गैस से भरे गुब्बारे लें, इन पर कैंडीज लगाएं, गुब्बारों को एक बड़े ढक्कन वाले डिब्बे में छिपाएं, इसे बंद करें। अब उस खुशकिस्मत के पास जाएं जिसे ये तोहफा मिलने वाला है। डिब्बे को दरवाजे के पास रखें, दरवाजे की घंटी बजाएं और भाग जाएं। ढक्कन खोलने का समय। वाह, कैंडीज वाले गुब्बारे उड़ने लगे। ये कैसी कैंडी है? मुझे ये कैंडी बेहद पसंद आई। ये एक शानदार तोहफा है। अपने दोस्तों को खुश करने के लिए एक जादूगर बनना मुश्किल काम नहीं। इनमें से कौन से आइडियाज आपको सबसे ज्यादा पसंद आए, हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि आप कोई भी फेस्टिव लाइफ हैक ट्रुम ट्रुम पर मिस ना करें।